न कोई कार्रवाई हुई आज तक। एक उदाहरण देते हैं, आप ही का PIL है उसमें कि बिजली विभाग का PIL उसमें है कि CBI ने जिस अधिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसको, CBI ने जिस अधिकारी के यहाँ छापा मारकर पूरा पेपर पकड़ा कि बिजली विभाग में ये घोटाला हुआ है, वो अधिकारी को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत दे देती है और उसी मामले में सिर्फ कंप्यूटर के मतलब उसी मामले में एक नाम आता है कि मधु कोड़ा ने भी ये किया था, मधु कोड़ा को उस केस में अभी तक जमानत नहीं मिली। ये कुछ अजीब लगता है एकदम। तो आपकी लड़ाई तो उन लोगों को तब भी उंगली उठाना होगा ना एकदम, हम तो उंगली उठाइए रहे हैं। आप हमारे आप जो लड़ाई चीज सेकेंड जो लड़ाई हमारे जो अभी छेड़े हैं उसमें मंत्री भी जाएंगे जेल, अफसर लोग भी जेल जाएंगे, नीचे सूत्रत तक भी जाएंगे इसमें जो कुछ हम लोगों को भी बताइएगा कुछ इस जो भी अपना हम सिस्टम से चल रहे हैं, सिस्टमिक हिसाब से लड़ाई किया जाएगा, सिस्टम से कर रहे हैं जो भी लड़ाई होता है सिस्टम से होता है, इसलिए तो मतलब आपका निशाना सिर्फ लीडर रहेगा कि उसका तंत्र भी रहेगा? पूरा लीडर भी रहेगा तंत्र। अभी तो तंत्र नहीं है, ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ है वो तो जान रहे हैं। 3 साल हो गया तीन, इसका मतलब वो माइंस वाले तो मजा मार रहा है जिसको आवंटन किया गया, करोड़ों अरबों कमा रहा है, नेता लोग जेल में बंद है, आप जिसको टारगेट किए हो जेल में बंद है, लेकिन ये आदमी जिसको फायदा पहुंचाया वो तो मजा मार रहा है। क्या कीजिए, ये तो हाईकोर्ट का मामला है, हम कैसे हाईकोर्ट में, चूंकि आपका PIL हर चीज सबमिट होता है तो आज भी देखिए ना, 1 साल होने जा रहा है मैंने शिबू सिरेन का केस आज तक मैंने सामने आ रहा है, अगले जिसमें देखें कि पेपर में आया कि 22 तारीख है उसका बहस है, अब देखिए क्या होता है शिबू सिरेन वाला केस। तो हम देखें पढ़ें आपका हेमंत सिरेन शिबू सिरेन का पढ़ें, तो यही ये चीज़ है कि हम आप 1 साल अपने जो आपके जो सहयोगी हैं न्यायालय में आप केस नहीं लड़ रहे हैं, आप जनहित याचिका दायर की है, तो न्यायालय में भी ये बात को और अपने सहयोगियों के बीच में ये बात को रखिएगा कि भाई ये लोग तो पर कार्रवाई हो जाती है, जो तंत्र पे कार्रवाई जब नहीं होगा तो भ्रष्टाचार हमारा मिटेगा कैसे, हमारा सब तल कैसे होगा। मान लीजिए राजीव कुमार जी PIL करते हैं आपके तरफ से और कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में कोई आप मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, आपने तो PIL किया है जनहित में, तो आप कोर्ट को भी ये कहने का अधिकार है PIL के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से कि साहब इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मधु कोड़ा ने इतना कमा लिया तो किससे कमाया और जिससे कमाया उसका उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। विनोद सिंह को आप कह रहे हैं कि वो दलाली की दलाल था सरकार का, तो किसकी दलाली किया, जैसे आप जमीन का काम करते थे तो किसी के लिए तो करते होंगे और किसी को देते होंगे जमीन, किसी से लेकर देकर और बीच में आपको देता होगा चलो भाई आपने इतना का काम करा दिया तो इतना पैसा रखिए, विनोद सिन्हा का भी वही काम होगा, किसी न किसी को तो दलालिया करता होगा, किसी को माइंस दिलवाता होगा या अपने लेता होगा देता होगा, तो इस पर तो कार्रवाई होगी, और जिसको दिलवाया वो तो गलत तरीके से लिया पैसा देकर, वो तो पैसा देकर गलत तरीके का सम्मान कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एकदम होना चाहिए माइंस रद्द किया जाना चाहिए, जिसको माइंस दिया है वो तो रद्द होना चाहिए, ये तो जो भी मैंने माइंस दिए ये तो जो भी तो सरकार को रद्द करना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ वो तो बता रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ था हमारे पास, सवाल आप मीडिया से भी पूछ सकते हैं, ये सवाल आप न्यायालय से पूछ सकते हैं, अपने सहयोगी से पूछ सकते हैं कि साहब हम जो ये हुआ तो उन लोगों के खिलाफ आप कहानी उछालते हैं मामला, तो सर आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं, जो लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं तो आगे की लड़ाई हम जो झारखंड अगेंस्ट करप्शन जो पहले समय हम लोग लड़ रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट करप्शन वही तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन झारखंड अगेंस्ट करप्शन जो हमारे टास्क हमारे
आपका व्यक्ति की इंडिया इंग्लिश करप्शन के अंतर्गत नहीं ना है? नहीं नहीं, झारखंड अगर करप्शन आप अलग स्वयं हमारे हमारा संस्था है, मतलब सेंट्रल लेवल पर इसका कोई नहीं, नहीं 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 झारखंड कौन नाम भूल गए, चलिए नाम भूल गए हम, बहुत बड़े हस्ती हैं इंडिया गैस का बच्चा, हाँ उनके कौन है अन्ना केजरीवाल, भाई जी कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत बड़ा बड़ा मामला उठाते रहते हैं, सरयू राय जी किसे नहीं है सुप्रियन स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, तो हम अपने झारखंड नगर करप्शन हम अपना संस्था है, इनमें मूलभूत सहयोगी कौन है, मेंबर कौन कौन है? देखिए अब हम लोग का भी मेंबर किसी को नहीं चुने, संगठन में कौन कौन होंगे अभी? संगठन जैसे कि हम लोग चुने नहीं है, कोर कमेटी के गठन नहीं किए हैं, अभी शुरुआत हम लोग की, जो अच्छा अच्छा मैंने जुड़ जाएंगे इसमें तब हम कोर कमेटी गठन करके चुन देंगे, ऐसे अभी नहीं चुने हैं किसी को, हम लोग कैसे अभी काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो PIL किया था उसमें जो लोग बचे हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी? एकदम होगी, हम विश्वास है कि एकदम विश्वास है कि सब जाएंगे, एक दिन जाना है ये मरने जाए, आपको उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, पक्का उम्मीद है, सबसे बड़ी विश्वास। और आगे का जीवन कैसे जीना है आपको? तो देख रहे हैं जो चल रहा है अपना उसी के द्वारा, आइए आगे का जीवन कैसे जिएगा कि जो आपके सुरक्षा अधिकारी हैं सुरक्षा कर्मी हैं उन दो हैं, उन दोनों की सैलरी कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 40,000 है और आपको जीने के लिए 4,000 रुपया भी नहीं है। आज भी चल रहा है, अगले आगे भी चलेगा हमारे, कहीं ऐसा आप महसूस नहीं करते हैं क्या? महसूस करें कमी के आधार पर लड़ाई कमजोर पड़ती है? सच्चाई की लड़ाई कमी के आधार पर नहीं लड़ा जाता, सच्चाई सच्चा है जान रहे हैं, मानते हैं एकदम, कोई महसूस आज तक नहीं किए हैं, ये नहीं कि हमको बड़े बड़े आदमी मार देगा, हम उसके लिए नहीं डरते, मार देगा तो मार देगा जो होना होगा, अरे एक दिन तो सबको मारना, समझ लीजिए हम मर गए, लड़ाई जारी रहे। आपकी नज़र में आपके PIL कर्ता जो है राजीव कुमार, वो सारे मामले को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, मतलब आप उससे संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, कभी ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं ये लोग ये एक विश्वास पे, मैंने विश्वास के तौर पर उनको केस दिया जाता है, कभी आपको ये महसूस तो नहीं ना होती है कि कहीं ये लोग ऊंचे हायर सोसाइटी वाले और हायर चिंतन वाले लोग हम लोगों को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे होंगे, हम लोगों को गड्ढा में तो फेंका नहीं दे रहे? एकदम इतना मतलब विश्वास है, विश्वास है, इसलिए कि हम राजीव कुमार को एक पुरुष जानते हैं, जिस समय वकालत कर रहे थे उस समय जानते हैं उनको, आप तो झारखंड में उनका भी नाम है, हम उनका भी नाम तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में एकदम, कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़िए, हम झारखंड में आइए, हम झारखंड में चाहते हैं कि हर घर से एक झारखंड गैस करप्शन में हर लड़का जुड़ रहा है, अपने सिस्टम से काम कर रहा है, हर ब्लॉक हर पंचायत में गांव-गांव से मैंने, और आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ ना हो, एक व्यवस्था के खिलाफ हो, एक तंत्र के खिलाफ, एकदम तंत्र, क्योंकि अभी तक जो आपका जो लड़ाई का रूपरेखा तैयार है एकदम सिस्टम से हमारी लड़ाई, वो उसमें सिस्टम अभी तक बचा हुआ है एकदम, ये मानते हैं कि अभी तक सिस्टम बचा हुआ है एकदम बचा, यही शुभकामनाएं हैं कि आपका आगे की लड़ाई एकदम, हमारी लड़ाई तो सफल है, सफल है समझिए, झारखंड से एकदम पूरी नहीं हो, वो तो जब तक रहिएगा ऐसी लड़ाई तो शुरू हुई है, हाँ सफलता भी नहीं, अगर सफलता मिलती तो तंत्र अंदर जाता, हाँ हाँ तो बात सही, लेकिन तंत्र बचा, तंत्र बचा है।
तंत्र बचा हुई है, क्योंकि आपने आपको भी कुछ पूछना है हो गया नहीं पूछना है आपने भी हो गया आप तो छोड़े ही नहीं नहीं क्या पूरी पूछना बहुत बहुत